गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे लेटर्स कहाँ गए मेरे? सफाई वाली ने हटा दिए। कोई मसला नहीं, उदास मत हो, मेरे पास और है, फिर से लिख दूंगी। अगर आपको ये डर है कि मैं हार मान जाऊंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपको कल का पास्ता कैसा लगा? बिल्कुल वैसे बनाया था जैसे आपको पसंद है। हाँ जानता हूँ मैं। फरीद साहब, अगर आप गैर मुतमईन हैं तो अगर आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं खुद निपट लूंगी। ऐसा लगता है कि तुम खुद को निकलवाने की कोशिश कर रही हो। क्यों, कोई ऐसी चीज भी मेंशन है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? टॉपिक के 23rd हिस्से के मुताबिक हमारी बावर्चन नौकरी से खुद को नहीं निकाल सकती। अगर वो ऐसी कोशिश करे तो उससे जुर्माना 1,00,000 लीरा देना होंगे। आप अपनी जिंदगी में हर चीज की जमानत इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए लेते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। राशन की दुकान, कसाई, सब्जी फरोश, सबके साथ मुआहदा करना चाहिए। बाग में जो बिल्ली है उसके साथ भी, कहीं वो भागने की कोशिश ना करे। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक दे देगा, लेकिन बिल्ली कैसे पैसे वापस देगी? प्रोफेशनल जिंदगी में सबसे बड़ी चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है नाजली, और अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। लीलिया, तुम्हें अभी पता नहीं चला मैं कौन हूं? ठीक है, मैं अच्छी डांस पार्टनर हूं। डेनिस, कितने अरसे से मौका ही नहीं मिला कि दोनों बहन भाई बैठ के बात कर सकें। हमेशा उखड़े हुए रहते हो। तुम मेरी जान हो, शायद तुम ये बात नहीं जानते। हाँ। शुक्रिया। डेनिस, एक मसला है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वसूला होल्डिंग हमारी कंपनी है, ये तो तुम जानते ही हो, और मैं अपने खानदानी कारोबार में बहुत अहम रोल अदा करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि ज़ैनब की जगह काफी टाइम से खाली है, उसका सारा काम असिस्टेंट ने संभाल लिया है। उस डेजिग्नेशन को भी तो पूर करना चाहिए ना हमें, तो मैं क्यों ना संभाल लूं, तुम क्या कहते हो? मुझे कंपनी के मामलात में बिल्कुल मत उलझाइए। डेनिस, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मीटिंग में शामिल होना है और वोट सिर्फ मेरे ही हक में देना है, ठीक है? मैं एक छोटी सी मीटिंग फौरन अरेंज करती हूँ जिसमें तुम्हें भी आना होगा। और मैं कोई फाइनेंशियल मैनेजर बनने की बात नहीं कर रही, मैं बस फ्लोर मैनेजर बनना चाहती हूँ। बाजी, मैं मीटिंग्स में बिल्कुल शरीक नहीं होता, फरीद मेरी जगह वोट देता है। मेरा ख्याल है तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो क्योंकि तुम भी इस कारोबार में शामिल हो, तुम्हें किसी के साए में रहने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के साए में भी नहीं हूं, और नहीं ये मेरी दिलचस्पी के उन्वानात हैं। मेरी जान, मेरे भाई, तुम जानते हो कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामना चाहिए। क्या मेरे लिए इस बारे में सोचोगे? प्लीज। कुछ कामों की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, मगर मैं सोचूंगा। अच्छा लगा सुनकर, ठीक है फिर। और हाँ, नाज़ली काम पर वापस आ गई है। मजबूरन।
वो माहिदे के कुछ मामलात हैं उसके फरीद के साथ, अगर उसने अदा ना किए मैं दे दूंगा उसको। फरीद वाकई बहुत खौफनाक है, क्या कोई अपने घर के मुलाजमों पर भी इस तरह मुआवजा टालता है? अजीब सी बात है। वो मैं अदा करूंगा अगर नाजली ने कबूल किया तो। बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा।